अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ IIUI ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कुरानिक। सो फर्स्ट लेसन नंबर 5, मैनर्स टू बी ऑब्जर्व फॉर रेस्ट्रेशन ऑफ द कुरान। लेसन नंबर 5, मैनर्स टू बी ऑब्जर्व फॉर रेस्ट्रेशन ऑफ द कुरान। इसके मैंने आपको वोकैबुलरी वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर 1 और 2 जो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडे डे इज़ वेनसडे। वेनसडे कॉमा सेकंड दिसंबर कॉमा 2020। टॉपिक मैनर्स। टू बी ऑब्जर्व फॉर रेस्ट्रेशन ऑफ द कुरान। एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मैनर्स अ पर्सन must observe while reading the Quran. What are the manners a person must observe while reading the Quran? Quran पाक पढ़ते हुए एक person के कैसे manners होने चाहिए? Answer: We should keep the Quran in a clean and high place after reading it. We should keep the Quran in a clean and high place after reading it. हमें कुरान पाक को साफ जगह पर और ऊंची पढ़ने के हमें कुरान पाक पढ़ने के बाद साफ जगह पर और ऊंची जगह पर रखना चाहिए। एंड आवर बॉडी क्लॉथ्स एंड द प्लेस वेयर यू रिसाइट द कुरान शुड बी क्लीन
should be clean. Our body, clothes and the place where you recite the Quran should be clean. जिधर हम कुरान पाक बैठ के पढ़ते हैं वो जगह साफ़ होनी चाहिए, और हमें कुरान पाक पढ़ने के बाद साफ़ जगह पे और हाई प्लेस पे रखना चाहिए. हमारा जिस्म, आवर बॉडी, हमारे कपड़े, क्लॉथ्स एंड द प्लेस और जगह वेयर यू रिसाइट द कुरान शुड बी क्लीन. हमारे कपड़े, हमारे बॉडी और हमारी जगह कुरान पाक जिधर हम बैठ के पढ़ते हैं साफ़ होनी चाहिए. सो अब हम करेंगे एक्सरसाइज. मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ ट्रू और फॉल्स. अ पर्सन शुड नॉट वरी इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड द कुरान. अ पर्सन शुड नॉट वरी इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड द कुरान. इंसान को जो है परेशानी होना चाहिए अगर कुरान पाक ही समझ ना आए, तो ये होगा फॉल्स. फॉल्स, जबकि मैंने आपको नोट्स पे भी लिखा हुआ है, मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ ट्रू आर फॉल्स. ए, फॉल्स. सेकंड, बी, वी मस्ट रीड द कुरान वंस इन अ मंथ. हमें कुरान पाक को एक महीने में पढ़ना चाहिए. नो, फॉल्स. बी, फॉल्स. सी, अ पर्सन मे रीड द कुरान हरेडली. हमें कुरान पाक को घबराहट से पढ़ना चाहिए. नो, फॉल्स. सी, फॉल्स. हमें कुरान पाक को आहिस्ता आहिस्ता, आराम से, तसली से पढ़ना चाहिए.